बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वैद्य मगाराम द्वारा कलकत्ता में की गई। इससे पूर्व 1907 में कन्यालाल डूंड व स्वामी गोपालदास द्वारा सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की गई। 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड सेकी थे। वहां पर बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे गए, जिसके अंतर्गत बीकानेर के प्रशासन व गंगा सिंह की आलोचना की गई। इससे नाराज होकर गंगा सिंह ने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 के तहत स्वामी गोपालदास, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, चंद्रमल बहेड़ को गिरफ्तार किया, जिनका मुकदमा रघुवर दयाल द्वारा लड़ा गया। 1942 में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष रघुवर दयाल गोयल थे। 26 अक्टूबर 1944 में बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। 1 जुलाई 1946 को गंगानगर के रायसिंह नगर में प्रजामंडल का जुलूस निकाला गया, जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण सराफ थे, जिस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसके अंतर्गत बीरबल नाम का युवक शहीद हो गया। उसकी याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा रखा गया। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाड़नी द्वारा 1931 में की गई। इसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया तथा इसके अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया व सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8 व 9 मई 1938 में नतमल के कटले में किया गया। शेखावाटी आंदोलन ने भी जयपुर प्रजामंडल का साथ दिया। सत्याग्रह आंदोलन 1939 में रमा, शारदा, सुशीला, इंदिरा आदि महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल के मध्य 17 सितंबर 1942 को हुआ, जिसके तहत कुछ शर्तें रखी गई, जैसे कि जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना व जुलूस कर सकते हैं, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, जिससे नाराज होकर बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासनीवाल ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं बाबा हरीश चंद्र थे तथा इसका कार्यालय गुलाबचंद कासनीवाल के घर पर खोला गया। 1945 में नेहरू ने आज़ाद मोर्चा व प्रजामंडल का विलय कर दिया।